जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पूजा करने का सही समय कौन सा होता है। जैसा कि हम जानते हैं नॉर्मली कि हम लोग पूजा सुबह और शाम दो बार करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें पूजा करने का अपना एक समय होता है। जो सुबह का समय होता है पूजा करने का, वो है 4 बजे से लेकर, यानी ब्रह्म मुहूर्त का जो 4 बजे होते हैं, उस 4 बजे से लेकर 10 बजे तक आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। और संध्या के समय में 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हम पूजा कर सकते हैं। ये समय होता है सुबह के समय का और शाम के समय का, मैंने आपको टाइम बताया है। अब सुबह के समय में कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि एकदम सही समय आप हमें बताइए कि होता क्या है, कौन सा एक सा करेक्ट समय होता है जब हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिस समय भगवान हमारी प्रार्थना सबसे ज़्यादा जल्दी स्वीकार करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं सिर्फ अपने अनुभव से बता रही हूँ, जो कि मैंने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है, मैंने अपने गुरुजनों से सुना है, कि सुबह के समय जब दो समय मिल रहे होते हैं, यानी कि आधा अंधेरा और आधा उजाला होता है, जब दो समय आपस में मिल रहे होते हैं, वह समय पूजा करने का सबसे उत्तम समय होता है। यह जो समय होता है वो सभी जगह में, यानी भारत के सभी कोनों में अलग अलग टाइम उसका हो सकता है। जैसा कि हम लोगों के यहाँ 6 बजे आधा उजाला और आधा अंधेरा होता है, तो उस समय पूजा का सबसे उत्तम समय होता है। और मेरे मायके में 7 बजे ऐसा होता था कि आधा उजाला और आधा अंधेरा होता था, तो उस समय पूजा का सही समय माना जाता था। और शाम के समय में भी सेम है, जब दो समय आपस में मिल रहे होते हैं, यानी आधा उजाला और आधा अंधेरा होता है, उस समय हम पूजा करते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। वो समय भी भारत वर्ष के प्रत्येक कोने में अलग अलग हो सकता है। किसी के यहाँ 6 बजे हो सकता है, किसी के यहाँ 7 बजे हो सकता है, किसी के 8 बजे हो सकता है। तो जब आप देखें कि आपके आधा अंधेरा आधा उजाला है, तो उस समय भगवान की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। उस समय दीपक करना चाहिए, भगवान के सामने आरती करनी चाहिए और अपने जो भी आपके पाठ हैं वह करने चाहिए। ये बात मैंने आपको नित्य पूजा के लिए बताई है, कि जो नित्य पूजा हम लोग करते हैं सुबह को और शाम को, उसके लिए बताई है। लेकिन जब हम व्रत करते हैं, कोई त्यौहार आता है, हमें कोई उद्यापन करना होता है या हमें कोई यज्ञ हवन वगैरह करना होता है, तो उसका जो समय होता है वो अलग अलग होता है। वो हम पंडितों से निकलवाते हैं, चौघड़िया देखते हैं और अपने गुरुजनों या बड़े जनों से पूछते हैं, वो समय अलग होता है। और वो समय जो है पंचांग देख के उस समय वो उन पूजा को किया जाता है, तो वो चीज़ अलग है और जो नित्य पूजा है वो अलग है। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आपको जिस समय आपको समय मिल जाए, उस समय आप भगवान की पूजा करें। भगवान आपके भाव देखते हैं, आपका समय नहीं देखते, लेकिन आपको पूजा नियम से करनी है। मतलब आपको रोज ही पूजा करनी है। जब सुबह आपको जिस समय भी आपको समय मिल जाए, उस समय आप पूजा करें। शाम को भी आपको जिस समय भी आपको समय मिल जाए, आपको उस समय पूजा करिए। आपको दिन भर में कभी भी समय मिल जाए, आप उस समय पूजा करें, लेकिन भगवान को याद जरूर करें, उनकी पूजा जरूर करें, यह जरूर करें, क्योंकि भगवान आपका प्रेम देखते हैं, आपका भाव देखते हैं। उनको भी पता है कि आपके पास समय नहीं है, आप किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, आपको कोई समस्या है, यह चीज़ भगवान भी देखते हैं, क्योंकि भगवान कण कण में समाए हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। तो आप पूजा कभी भी कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हम लोग जो पाठ करते हैं वो हम किस समय करें। आप पाठ किसी भी समय में कर सकते हैं, जिस समय भी आपको समय मिलता है आप अपना पाठ पूरा कर लें। जैसे कि मैं करती हूँ, मैं जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, तो पूजा तो मैं पहले ही कर लेती हूँ, लेकिन पाठ को मैं अपने काम निपटाने के बाद, सुबह नाश्ता वगैरह जो भी बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, वह सब करके मैं पाठ करती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लोगों को कहते हुए मैंने देखा है कि पूजा का जो नियम आपने बांधा है, जैसे आपने सुबह के 8 बजे बांधे तो आपको 8 बजे करनी है, संध्या के समय में आपने जो समय बांधा है आपको वही समय में पूजा करनी है, लेकिन ऐसा कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, खासकर गृहिणियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
कि एक ही फिक्स समय में पूजा कर पाना, क्योंकि उन्हें बच्चे, घर, नाश्ता, सुबह बच्चों का, बड़े बूढ़े सभी को देखना होता है, तो वो समय मिस हो जाता है। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं सुबह के 4 बजे ही उठ जाती हूँ और 5 बजे ही मैं पूजा करने बैठ जाती हूँ। 6:30 बजे तक मेरी पूजा कंप्लीट हो जाती है। उसमें भगवान को नहलाना धुलाना, दीपक करना और जो भी छोटा मोटा मंत्र जाप करना होता है वो हो जाता है, लेकिन मैं अपना पाठ बाद में करती हूँ, क्योंकि अगर मैं पाठ करने बैठूंगी तो 2-3 घंटे और उसमें निकल जाएंगे, तो इसीलिए मैं पाठ जो है वो मैं बाद में करती हूँ, अपनी पूजा इस तरीके से कंप्लीट करती हूँ। आप नियम से कर सकते हैं, जो समय आपने लिया है उस समय पे कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है कि भगवान आपसे नाराज़ हो जाएंगे आपने पूजा सही समय पर नहीं करी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस भगवान को याद करना बहुत ज़रूरी है, उनसे प्रेम करना ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा खास बात है, तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखें। पूजा करने का मैंने आपको सही समय बता दिया है कि पूजा करने का जो सही समय सुबह के समय में जो होता है, जब 2 समय मिल रहे होते हैं वो होता है, संध्या के समय में जब 2 समय मिल रहे होते हैं वह समय सबसे उत्तम होता है पूजा करने का। बाकी समय टाइमिंग मैंने आपको बता दी, सुबह का होता है सुबह की 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, संध्या के समय में 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैंने 10 बजे बोला है और आपको समय 10 बजे के बाद मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक समय है जो हमको बचपन से ही बताया गया है कि ये समय होता है पूजा करने का, आप इस समय अपनी पूजा कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो भी कोई बात नहीं, भगवान को आप याद कर लें, अगरबत्ती जला लें, दिया जला लें तो भी बहुत है। तो फ्रेंड्स, ये जो जानकारी है ये मेरे पर्सनल अनुभव हैं, ये मुझे जो बचपन से ही मेरे बड़े बूढ़ों ने सिखाया है, ये मैंने किसी बुक में पढ़कर आपको नहीं बताया है, ये मैंने अपने पर्सनल अनुभव से बताया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी बताई हुई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।